तो एमएम की कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले वॉल्यूशन लेवल, प्लांट प्लांट लेवल, ये सारे आज के तारीख में करेंगे और कोशिश करेंगे ये सारे भी हमारे हो जाएं, ठीक है। और उसके लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। लॉजिस्टिक्स में हम मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग, परचेजिंग में हम लोग परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, आउटलाइन एग्रीमेंट, आरएफक्यू, मास्टर डेटा, एनवायरनमेंट, ये करेंगे। इन्वेंट्री में गुड्स मूवमेंट, मटेरियल डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन, पीरियोडिक प्रोसेसिंग, ये करेंगे, ठीक है। और मटेरियल मैनेजमेंट के बाद फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड वेयर हाउस में आप क्या उसमें प्रोसेसेस हैं वो सारे हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें बेतहाशा आपके प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें पहले हम मास्टर डेटा पे पहले हम काम करेंगे, मास्टर डेटा के बाद फिर हम आएंगे इसके डिलीवरी प्रोसेसिंग, वर्क स्केड्यूलिंग में, एग्जीक्यूशन में, शिपिंग एंड रिसीविंग में, ठीक है। तो एक एक चीज जो है ना आपकी यहाँ से इंशाल्लाह पहुंच जाएगी कवर, ठीक है। और कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट जाए। तो ये हमारा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड की पहले तैयारी हम कहाँ से करते हैं, बैक एंड से करते हैं। और बैक एंड का टी कोड है SPRO, ठीक है। मैंने SPRO लिखा, एंटर किया, SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इसमें आया। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बेसिकली जब आप क्लाइंट के एंटरप्राइज को बकायदा एक शक्ल देना शुरू करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से होती है, ठीक है। और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में पहले क्या आती है, दो तीन चीजें आती हैं, डेफिनेशन, असाइनमेंट, कंसिस्टेंसी चेक आता है। डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो हमारे पास हर मॉड्यूल का तकरीबन यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जैसे फाइनेंस है, कंट्रोलिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सेल्स है, मटेरियल मैनेजमेंट है। तो हम पहले जाएंगे लॉजिस्टिक्स पे, लॉजिस्टिक्स में जाके वैल्यूएशन लेवल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वो पहले से ही बता देते हैं कि ये चेक है और ये सिस्टम डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, वैल्यूएशन एरिया प्लांट है। और उसके बाद फिर हम जाके बनाएंगे प्लांट, ठीक है। प्लांट किसका बनाएंगे, न्यू एंट्रीज। अब चूंकि हमारा T38 है, ठीक है, तो T38 पहले से ही बना हुआ है, तो इसको हम करेंगे R38, ठीक है। R38 को हम कह देते हैं, क्या कहेंगे, रोमेनिया ग्रुप, रोमेनिया ग्रुप प्लांट, ठीक है। R38 रोमेनिया ग्रुप प्लांट। यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर GB, यानी ग्रेट ब्रिटेन का फैक्ट्री कैलेंडर हम देंगे। GB क्यों, उसके टाइमिंग और उसके जो लॉज हैं अकाउंटिंग वगैरह के वो हमारे उससे मैच करते हैं, ठीक है। PK इस्लामाबाद दे दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि आपने कहाँ पे वो कर रहा है ना, कहूँगा R38 रोमेनिया, रोमेनिया ग्रुप MMEWM कॉन्फिग, ठीक है। इसमें मैंने सेव कर दिया, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद समझ आ रहे हैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप, अच्छा जी। एक और एक चीज है, मैं आपको एक और एक चीज, डिफाइन प्लांट फॉर क्रॉस सिस्टम गुड्स फ्लो। यहाँ पे मैं न्यू एंट्रीज कर देता हूँ और R38 क्रॉस सिस्टम मतलब थर्ड पार्टी सिस्टम आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर लॉजिकल सिस्टम 100 है, इसको हम लेंगे अवेलेबिलिटी चेक, डेली रिक्वायरमेंट्स नो चेक, प्लांट एंटर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, V38 कर देते हैं। V38 को हम PKIS एंटर कर दिया, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के लिए, ये आपका अगर प्लांट बाहर है, ठीक है, और वहां पे सिस्टम SAP नहीं चल रहा, तो हम लोग फिर इसे क्या करते हैं, SAP के साथ करने के लिए फिर हम उसको इस क्लाइंट के साथ
इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम V38 का प्लांट हमने लगा दिया और उसके साथ हम फिर कम्युनिकेट कर सकेंगे थ्रू SAP। ठीक है, अब आ जाते हैं लोकेशन की तरफ। लोकेशन में हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज रखेंगे। R38 लोकेशन आपकी रहीम यार खान, ठीक है, रहीम यार खान R38 रोमेनिया। तो ये IS, ये एंटर हो गया। फास्ट तो नहीं जा रहा, अगर फास्ट जा रहा हूं मुझे बता दो पहले। अच्छा लोकेशन हो गया, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बना देते हैं। न्यू एंट्रीज R38 रोमेनिया ग्रुप, ठीक है, R इसकी करेंसी होगी। बाकी सारी चीजें हम रहने देते हैं। R38 सेव IS, IS और सेव, ये सेव हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैंने अभी नहीं बना रहा, ये आप खुद बनाइएगा, ये आपका काम होगा। मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन के लिए मैं प्लांट को R38 दूंगा और इसे कहूंगा न्यू एंट्रीज RYK, रहीम यार खान, KHI कराची, सेव सेव। दो लोकेशन आपकी, स्टोरेज लोकेशन आपकी हो गई। मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एंट्रीज R38, R38 रोमेनिया ग्रुप। ये हो गया। अच्छा जी, मटेरियल मैनेजमेंट में ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज और आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइंड कंपनी। न्यू एंट्रीज में जाए R38 रोमेनिया ग्रुप, रोमेनिया ग्रुप R38। ये सारे मैं इसके एड्रेस की डिटेल्स डाल रहा हूं। USD किया, एंटर, सेव और आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंपनी कोड। कंपनी कोड, ओहो, एडिट कंपनी कोड डेटा, न्यू एंट्रीज R38 रोमेनिया ग्रुप, ठीक है, रहीम यार खान, कंट्री PK, करेंसी PKR, इंग्लिश। अच्छा, अब ग्रुप लेवल पे मैंने USD दिया था, यहाँ पे मैंने PKR दिया है ताकि हम फॉरेन करेंसी की जो इवैल्यूएशन है वो भी हम सीख सकें। ठीक है, और ये सेव किया। ये सेव किया, उसके बाद आ जाए आप सेगमेंट्स की तरफ। सेगमेंट्स जो होते हैं बिजनेस के मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट्स आ रहे हैं ना बिजनेस के, जो वर्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं। जैसे ये हेडफोन्स हैं और गिफ्ट आइटम्स हैं, कंडीशनर है, पैकिंग है, गिफ्ट रैपिंग है। ठीक है, ये अलग से हम सेगमेंट्स इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये कर दिया। अच्छा, अब आते हैं हम मटेरियल मैनेजमेंट को, हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट नोड पे है, प्लान टू कम परचेज होगा। ठीक है, ये तो हमने सारे कर लिए। ठीक है, असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। यहां पे मैं जाऊंगा R38 और R38 ही यहाँ पे कंपनी हमने बनाई थी, याद होगा आपको, R38 बनाया।
वो कह रहा कंपनी कोड और कंपनी की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, सेव करें, ये सेव कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद लॉजिस्टिक्स जनरल में आ गए, प्लांट टू कंपनी कोड। इसीलिए कंपनी कोड बनाया था कि उसके साथ हम प्लांट लगा सके। R38, R38 एक ही कोड रखा है तो उसका इंटीग्रेट करना है, इसलिए एक कोड आप रखते हैं ताकि पूरी सिंक्रोनाइजेशन आपके लैंडस्केप पैसिटी के हो। अच्छा, ये हो गया। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। यहाँ पे अब मैं जाऊंगा R38 पे, और यहाँ पे R38 लगा लूंगा। वो लगा दिया उसने, सेव किया, ये सेव हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने नहीं बनाया, सेल्स एरिया हमने नहीं बनाया, वो बाद में बनाएंगे हम। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। यहाँ पे कंपनी कोड हमारा क्या है, R38 ही है, इसको हमने किया सेव। सेव, ये सेव हो गया। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड के साथ लगाया, प्लांट के साथ लगाएंगे। R38 और R38 देख रहे हैं आप। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखें, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास मल्टीपल हो सकती है। जैसे ये तो मैंने टॉप लेवल ले लिया ना, रोमेनिया ग्रुप, यहाँ पे लेसन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, इनके भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक्सेसरीज हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, इनके अलग अलग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मैं एक प्लांट को भी लगा सकता हूँ, यानी मल्टीपल कभी रिलेशनशिप इनमें हो सकता है। ठीक है, ये भी कहने का मकसद था। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये स्टैंडर्ड उसी वक्त ही लगता है जब आपके पास परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हो। तो हम एक ही लगाएंगे, R38, R38, सेव, सेव। ठीक है, ये हो गया। यहां तक बात क्लियर है नसरुल्ला साहब आपको? जी जी सर, ठीक है, फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? नहीं नहीं सर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया सारा। ठीक है, अब आते हैं हम फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप में, प्लांट स्पेसिफिक फील्ड मटेरियल टाइप में। अच्छा जी, इसके लिए हम जाएंगे अब अगले नोड पे, और वो होगा आपका लॉजिस्टिक जनरल, और यहाँ पे आपका मटेरियल मास्टर, फील्ड सिलेक्शन, असाइन फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप, इंडस्ट्री सेक्टर, ये तीन चार हैं जो हमने वो करनी है। असाइन फील्ड टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे फील्ड नेम एक आता है, फील्ड सिलेक्शन ग्रुप, ओके। यहाँ पे एक आता है परचेजिंग का, अगर मैं देख लूँ, परचेजिंग होगा ये वाला। ठीक है, इसके मैं उसमें गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये कौन सा है मेरे पास, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें एक और एक आ रहा है फील्ड नेम, वेंडर अकाउंट नंबर भी आ रहा है। ठीक है, फील्ड सिलेक्शन ग्रुप 176 है, इसको मैं कॉपी करके अपना लगा दूंगा इसे। यहाँ पे अब फील्ड रेफरेंस आ रहे हैं। अभी फील्ड रेफरेंस का ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फील्ड रेफरेंस इज रेफरेंस इन 5 of 103 प्लांट्स। ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 1011 में, 2011 में, नेक इम्पैक्ट्स में। ठीक है, तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, इज रेफरेंस नोवेयर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये कुछ फील्ड है जो आप जब मास्टर डेटा जब बनाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि मैं ये सारे जितने फील्ड्स हैं इनके अपने बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से हाइट डिस्प्ले रिक्वायर्ड ऑप्शन कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी एज,
जीरो टू को कर लेता हूं, जीरो टू कॉपी एज आई एंड डी सेवन कर लेता हूं, या आर 38 एम कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं इनको मैं देख लेता हूं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर अकाउंट नंबर, ये ग्रुप्स हैं, इसको भी मैं चेक कर लेता हूं, मार्जिन ग्रॉस इन सेल्स प्राइस कैलकुलेशन, ये फील्ड्स हैं जो आपको ट्रांजैक्शन के लेवल पे जब आपको ये आपको दिखाई देंगे, इनको सबको मैंने ऑप्शनल किया हुआ है, ये मैंने आगे जाके इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और इसको मैं अपने लिए समझ लें सेव कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एक उठाया और एक उसको उसको मैंने उठा के अपने लिए इस्तेमाल कर ली, एक ये चीज होगी, ये भी आप कर सकते हैं। यानी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो फील्ड है उसके अंदर जो फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स हैं वो भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं, हो सकता है भी आपको ये चीज समझ में ना आ भी रही, लेकिन जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। डिफाइन कॉपी बिहेवियर फील्ड्स इन मटेरियल मास्टर। अच्छा जी, फील्ड नेम अगर मैंने कोई कॉपी करवाना है, कोई जरूरत है, अगर बिजनेस प्रोसेस कहता है तो उसमें मैं फिर फील्ड नेम वो कर सकता हूँ। फील्ड नेम होगा हमारा मैटनर, ठीक है। उसमें मैं कहता हूँ कि प्रपोज कर दे, खुद से सिस्टम प्रपोज कर देगा, कॉपी कर दे। और ये वाला जो है इसको देख लेते हैं, प्रपोज फील्ड कंटेंट इवन ए ब्लैंक और जीरो, यानी जीरो भी हो कुछ भी ना हो तो भी हम वो कर दे, यानी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है तो वो कर देगा। मैं कहता हूँ सेव कर दें, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा T13F, मैं जाऊंगा अब टेक्निकल, थोड़ा सा एक डिस्कशन हो जाएगा, इससे घबराना नहीं। आपने स्लैश ओ एस ई एस सी 11 T13F एस सी 11 T130F चार्जर मैंने इनको दिया था, ये कर मेरा व्हाइट कलर का क्या अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले। मेरा मेरे को तेरा चार्जर किधर आ गया, यहाँ पे मेरे मेरे को तो पास मेरा इस चार्जर टेबल में जो फील्ड्स आ रही हैं तेरा वो चार्जर कौन सी तेरे है, को फील्ड पता है मेरा मेरा एट्रीब्यूट तो सही है जो मुझे टेबल शॉर्ट है। है बहुत वाले वो तो ज्यादा ही बाहर लाया थी ना मेरे चार्जर अच्छा ये टेबल है हमारे पास फील्ड एट्रीब्यूट्स का, और इसमें कौन कौन सी फील्ड हमारे पास आ रही है, क्लाइंट, फुल नेम, मेंटेनेंस स्टेटस, ठीक है, चेक बॉक्स। अच्छा अब मैं आता हूँ एस ई अच्छा बाहर से बैठा रहे हैं बात करके ये लाइव सेशन करते हैं बात ही होती एस ई अगर मैं 80 पे आऊं, ये बैक वर्क बेंच में आ गए, ठीक है। है इस हम वो देखते हैं ना यूट्यूब पे क्लासेस दे यहाँ रहे पे होते हैं अब टीचर्स क्लासेस हम चलाएंगे, क्लासेस पढ़ा नहीं रहे होते हैं एस टीचर्स सी नाइन्टी यूट्यूब में थ्री अब सुना पढ़िए पढ़ा C93 ट्रांजैक्शन कोड C11 नहीं, वो मुझे टी कोड निकालना पड़ेगा, मुझे अभी जहन में आ नहीं रहा ना, ठीक है। अच्छा खैर, यहां से हम कुछ फील्ड निकाल के ये निकाल लेते, चलिए एंटर एंटर, ठीक है। अभी फील्ड कौन सी है, कैब
AFUS, AUFSG, मैं जाऊंगा SE11 पे, कैप करूंगा और डिस्प्ले करूंगा। कैल्क में AUF था, फील्ड नेम, जिसमें कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ये है असल में सेल प्राइस कैलकुलेशन आइटम इन अ प्राइस कैलकुलेशन, ये वाला टेबल है असल में, ठीक है। स्ट्रक्चर है बेसिकली टेबल, थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं अभी मजीद इसके उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है। बट एनीवेज, मैं आता हूं अब SPRO, SAP reference IMG, logistics general material master, ठीक है। फील्ड सिलेक्शन, इंडस्ट्री सेक्टर्स एंड स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन, डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर्स। अच्छा जी, इंडस्ट्री सेक्टर हमने यहाँ पे वो किया हुआ है। अब हम फार्मास्यूटिकल है, एक चीज नहीं है, पैकेजिंग भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक्स पेपर, ROH यानी रॉ मटेरियल, पेपर का रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई, पेपर फिनिश्ड, पोर्ट। एक काम करना, अच्छा, अभी फील्ड रेफरेंस ROH क्या है, रॉ मटेरियल, ये कोड है, और पोर्ट जो है ये फिनिश गुड है जो आप मटेरियल मास्टर में देखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मौजूद एक चीज में जो आपको दिखा देता हूं, है MM01, ठीक ठीक रहने दे, पड़े रहने दे, इधर कुछ नहीं होता, पड़े रहने दे इसको, जरा मैं ये ये आप आगे मटेरियल मास्टर बनाने में, तो इंडस्ट्री सेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं। LCD हमारा क्या था, तो पेपर, पेपर गया फिनिश्ड, ये हमने लगाया था, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, हमने ये कर दिया। ये है बेसिकली आपका जब आप बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, इजी है। अच्छा, प्लांट करना स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन, हमारा प्लांट बना हुआ है, है अब उस यार, हिसाब से हम कर लेते हैं। अच्छा जी, करना प्लांट हमारा क्या है, R38। यहाँ पे अब मेंटेनेंस स्टेटस क्या है कि इस प्लांट पे हम लोग क्या करेंगे, दो हम ये सारे काम कर सकते हैं, वर्क स्केड्यूलिंग, अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारे जितने हैं ये अब कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कोड्स हैं हम यहाँ पे ठीक कॉपी कर सकते हैं, ये मेंटेनेंस स्टेटस, ये सारे वही कोड्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने वहां पे बनाया था R38M, R38M, ठीक है। सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम मुझे भी पानी का गिलास दे यार। फील्ड सिलेक्शन, हो गया, बेसिक सेटिंग्स में चले, मटेरियल टाइप्स, मटेरियल टाइप्स देखना है अगली क्लास में, इंशाल्लाह हम देखेंगे। यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।